एक लड़की, पेशे से टीचर, एक स्कूल। 23 तारीख को वो लेके गए थे हम, पहले हाँ बोल रही पहले, फिर उसके बाद में वहाँ पे दो पाई पता नहीं कोई घर की तरफ दो पाई है, और फिर उसके बाद में एक वो उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे किसी और अपने ससुराल मदरसे वाले कहीं और। ये कहानी एक ऐसे राज्य की जहां खोजने से भी नजर नहीं आती सरकार। सड़क से लेकर संसद तक मचा हुआ है हाहाकार। इस कहानी से फिर आ सकता है उत्तर प्रदेश में उबाल। पकड़े जा चुके हैं कुछ गुनहगार और कुछ अब भी हैं फरार। इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने इसको थॉरली शुरू करी थी, जिसमें कुछ नए नाम लाइट में आए और उनमें से दो लोग कल रात हम लोगों ने अरेस्ट किए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कन्वर्जन प्रोसेस में हेल्प करी थी या उन्होंने कराने में मदद करी थी। क्या है पूरी कहानी? इस कहानी में है कुछ अनसुलझे सवाल। 29 जून से और 3-8 तक, मतलब 3 अगस्त तक इन्होंने ना घर पर किसी को बताई ये बात, ना जो है पुलिस थाने पर किसी को ये सूचना बताई। हम आपको बताएंगे इस कहानी का एक एक पहलू सिलसिलेवार। धर्म परिवर्तन, अपहरण और सामूहिक बलात्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव के मुहाने पर है। आरोप के मुताबिक यहां एक लड़की को अगवा कर गैंगरेप किया गया। सनसनीखेज आरोप ये भी लगे कि इस लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है मामला उलझता जा रहा है। लड़की के आरोप के आधार पर पुलिस ने बलात्कार और धर्म परिवर्तन की बात कही है, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अभी भी आने बाकी हैं। तेईस तारीख को वो लेके गए थे हम, पहले हाँ बोल रही पहले, फिर उसके बाद में वहाँ पे दो पाई पता नहीं कोई घर की तरफ दो पाई है, और फिर उसके बाद में एक वो उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे किसी और अपने ससुराल मदरसे वाले कहीं और। मेरठ के एक गांव की ये लड़की अपने बयान में ऐसा संगीन आरोप लगा रही है जिसने सुनने वालों को हैरान कर दिया। आरोप है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, उसके पेट का ऑपरेशन भी कराया गया। लड़की का कहना है कि आरोपियों ने गैंगरेप के बाद उसका धर्म परिवर्तन भी कराया। इस आरोप ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, सड़क से लेकर संसद तक देश की सियासत में उबाल ला दिया। थाने पे जो परिस्थिति उस दिन थी, यदि मुझे टेलीफोन लखनऊ नहीं जाता और मैं यहाँ एसपी देहा साहब को बात नहीं करता तो पुलिस ने तो निपटा लिया था मामला, और उस वक्त अगर ये मामला उसी दिन निपट जाता तो आज कुछ करने को बसता नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सख्त सजा मिलनी चाहिए जो लोग जिम्मेदार हैं, सही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बेगुनाह लोगों को भी गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो लोग इसको सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरठ में जो एक युवती के साथ गैंग रेप हुआ है और इतना ही नहीं, जो जबरन उससे धर्म परिवर्तन कराया गया है, इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, और ये मामला बड़ा गंभीर है, और यूपी गवर्नमेंट जो है इस मामले को गंभीरता से लेकर नहीं चल रही है, इसलिए इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये मामला कितना संगीन है ये इसी से समझा जा सकता है कि लड़की का गांव छावनी में बदल चुका है। इसी गांव के एक अल्पसंख्यक धार्मिक स्कूल में लड़की करीब एक साल से हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाती थी। लड़की के परिवार के मुताबिक 23 जुलाई से वो अचानक लापता हो गई। इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने थाने में लिखाई थी। परिवार के मुताबिक जब उन्हें लड़की मेरठ में मिली तो पता चला कि उस पर क्या गुजरी है। आरोप के मुताबिक गांव के ही ग्राम प्रधान समेत कुछ लोग उसका अपहरण कर उसे मेरठ से हापुड़ ले गए। वहां उसके साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया। आरोप है कि 29 जुलाई को
पीड़ित को एक बार फिर मेरठ लाया गया। यही नहीं, आरोप ये भी लग रहा है कि पीड़ित लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उसका नाम भी बदल दिया गया। धर्म परिवर्तन के कागजात पर उससे जबरदस्ती दस्तखत कराए गए। उसके बाद 30 जुलाई को उसे मुजफ्फरनगर ले जाया गया, जहां 3 दिनों तक वो बंधक रहे। FIR 3rd को दर्ज हुई थी और उसमें 4 लोग नेम्ड किए गए थे। आउट ऑफ 4, 3 आर अरेस्टेड ऑन द सेम डे 3rd इटसेल्फ एंड दे आर सेंट टू जेल, दे आर इन जेल नाउ। इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने इसको थॉरली शुरू करी थी, जिसमें कुछ नए नाम लाइट में आए और उनमें से 2 लोग कल रात हम लोगों ने अरेस्ट किए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कन्वर्जन प्रोसेस में हेल्प करी थी या उन्होंने कराने में मदद करी थी। ये सनोवर और वकील अहमद हैं, दौताई डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के, इनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। फरार आरोपियों की धरपकड़ की कोशिशें जारी है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये मामला और उलझता जा रहा है। लड़की के परिवार ने 23 जुलाई को उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी। परिवार के मुताबिक जब 3 अगस्त को लड़की का पता चला तब तक वो गैंगरेप का शिकार हो चुकी थी। उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा चुका था, लेकिन अपनी जांच के आधार पर यूपी पुलिस क्या दावा कर रही है ये भी सुन लीजिए। मुख्यतः जो है 29 जून की इनके साथ बलात्कार हो रहा है, जैसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। 29 जून को आफिज और आफिज के साथ जो ग्राम प्रधान और कुछ लोगों का नाम जो ले रहे हैं, तो उनके द्वारा ये बलात्कार करने वाली बात इनके द्वारा बताया जा रहा है। और 29 जून से और 3/8 तक, मतलब 3 अगस्त तक इन्होंने ना घर पर किसी को बताई ये बात, ना जो है पुलिस थाने पर किसी को ये सूचना बताई। और इस बीच में जो है, जो घर जब ये लौट के आई है, बीच में भी आ गई है, 23 तारीख को घर लौट के आ गई है, तो घर वालों ने पूछा तो आप कहाँ गई थी, फिर उन्होंने कहा मैं मथुरा जो है सहेली एक दोस्त है दोस्त के घर पर गई थी। मेरठ रेंज के DIG के बयान के मुताबिक लड़की के साथ 29 जून को यानी FIR में दर्ज तारीख से भी करीब 1 महीने पहले बलात्कार हुआ था। लड़की के पेट का ऑपरेशन भी कराया गया था। DIG ने अपने बयान में कहा है कि जून में हुए बलात्कार के बाद लड़की गर्भवती हो गई थी, इसी वजह से आरोपियों ने उसका ऑपरेशन कराया था। ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं। 29 जून को गैंगरेप के बाद घर वापसी पर लड़की ने ये बात परिवार वालों को क्यों नहीं बताई? 23 जुलाई को गुमशुदगी के बाद अगर लड़की 27 जुलाई को वापस आ गई थी तो परिवार वालों ने पुलिस को उसकी वापसी की जानकारी क्यों नहीं दी? 29 जुलाई को दोबारा गुमशुदगी की बात भी परिवार वालों ने पुलिस से क्यों छुपाई? इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है। इन सवालों से बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या अब तक सामने आई कहानी अधूरी है? सवाल ये कि मेरठ गैंगरेप मामले का सच क्या है? सच बाहर आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफ BJP मामले में लीपापोती का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कई राजनीतिक दल मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। मेरठ गैंगरेप और धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस की जांच इशारा कर रही है कि यह मामला करीब 1 महीने से भी ज्यादा पुराना है। पुलिस का ये कहना है कि पीड़िता से 1 महीने पहले जून में बलात्कार हुआ था, जबकि धर्म परिवर्तन की यह घटना 30 जुलाई की है। पीड़िता आरोपियों को जानती थी, लेकिन वो जिस तरह से बार बार आरोपियों के जाल में फंसी, वो स्थानीय पुलिस और पीड़िता के परिवार पर भी कई सवाल खड़े करता है। धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट को दिया गया पीड़िता का बयान भी पुलिस की थ्योरी को मजबूत कर रहा है। मेरठ गैंगरेप और धर्म परिवर्तन कांड का सच क्या है? मामला जबरन धर्म परिवर्तन का है या बहकावे और दबाव में धर्म परिवर्तन का है? और क्या गैंगरेप की वजह से पीड़िता गर्भवती हो गई थी? क्या इसी वजह से उसका ऑपरेशन कराया गया? मेरठ रेंज के DIG और धारा 164 के तहत दिए गए लड़की के बयान के बाद ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। पूरा घटनाक्रम क्या है ये जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं लड़की का बयान। मैं अपनी सहेली के साथ 29 जून को कॉलेज से निकली। हापुड़ तहसील के पास सहेली ने कहा तुम यहाँ रुको, प्रधान डॉक्टर नवाब और सनाउल्ला आएंगे, तुम उनके साथ चली जाना। नवाब और सनाउल्ला गाड़ी से आए, दो और लोग थे, उनमें से एक गाड़ी चला रहा था। मुझे हापुड़ बुलंदशहर के रास्ते में स्थित एक मदरसे में ले जाया गया। नवाब और एक और शख्स ने मुझसे बलात्कार किया। लड़की के बयान के बाद अब सुनिए मेरठ रेंज के DIG का बयान, जिनका कहना है कि लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया गया था। लालच की वजह से ही वो आरोपियों के साथ गई और उनके चंगुल में फंस गई। ये लड़की का जो प्रकरण हुई है, ये लड़की मदरसा में पिछले 1 साल से पढ़ाती थी, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाती थी।
और उसके बाद ये बीच में फिर छोड़ दिया था। फिर उसी स्कूल में एक हाफिज भी जो है वो उर्दू पढ़ाते थे। इनको जो है ये बहकाया था इस्लाम धर्म परिवर्तन करने से आपको काफ़ी पैसा और ये सब मिल जाएगा, तो उसका बहकाव में आके फिर उनके साथ ये गई है। फिर उनका और उनका पत्नी ने इनको काफ़ी प्रेरित किया, उस प्रेरणा के आधार पर ये जो है घर छोड़ के आपड़ गई है। और ये कहा जाती है इनके कथनानुसार 29 जून को इनके साथ बलात्कार हुई है। लड़की ने अपने बयान में कहा कि 29 जून को उसके साथ गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने उसे छोड़ दिया। लड़की का कहना है कि उसने घर लौटकर किसी को भी अपने साथ हुई वारदात की जानकारी नहीं दी। उसे बखा के बुलाया था, नौकरी का लालच दिया था, सोचते ही नौकरी लगवाऊंगे। प्रधान ने हमें, लड़की ने जब भी नहीं बताया कि मुझे, मतलब प्रधान मुझे बुला रहा है, मुझे नौकरी लगवाऊंगा, अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी लड़की को रोक ले। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब लड़की की सेहत खराब होने लगी। लड़की ने धारा 164 के तहत दिए गए अपने बयान में कहा है कि 23 जुलाई को मैं फिर अपनी सहेली के साथ गई। प्रधान डॉक्टर नवाब और सनाउल्ला मिले, एक लैब में ले गए जहां टेस्ट में डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। उसी रात में ऑपरेशन किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने लड़की का ऑपरेशन मुजफ्फरनगर के एक निजी अस्पताल में कराया था। 3 जुलाई से जो है इनका ब्लीडिंग होने शुरू हुई। 8 जुलाई से इनका ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी, तो फिर ये आफिज को ये बात कही है, इनके द्वारा कही गई है। आफिज ने कहा दवा वगैरह दिलाया था इनको, और लोकल दवा से जो है वो ठीक नहीं हो पाई। फिर इसके बाद इनका 23 जुलाई को इनका मुजफ्फरनगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन का जो है ये ऑपरेटेड फॉर ट्यूबर प्रेगनेंसी करके वो मेडिकल रिपोर्ट में दिया गया है। 23 जुलाई को लड़की के गायब होने की रिपोर्ट उसके घर वालों ने लिखवाई थी। लड़की ने अपने बयान में कहा कि वो 27 जुलाई को अपने घर लौट आई। यहाँ पर बड़ा सवाल उसके घर वालों की तरफ भी उठता है। सवाल ये कि जब घर की बेटी 3 दिन तक गायब रही, तब उन्होंने कारण जानने की कोशिश क्यों नहीं की। सवाल ये भी कि क्या उन्होंने लड़की के घर लौटने की इत्तला पुलिस को दी। सवाल लड़की पर भी है कि जब उसकी तबीयत खराब होने लगी, तब भी मदद के लिए उसने घर वालों की बजाय आरोपियों पर यकीन क्यों किया। लड़की ने अपने बयान में कहा कि 27 जुलाई के 2 दिन बाद यानी 29 जुलाई को एक बार फिर आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। इसी दौरान धर्म परिवर्तन के नाम पर उससे कुछ एफिडेविट पर दस्तखत कराए गए। पुलिस ने भी इस बयान की तस्दीक की है। 27 तारीख से 29 तारीख तक घर में रहती है, और 29 तारीख को धर्म परिवर्तन के नाम से ये हापुड़ चली जाती है। फिर वहाँ से हापुड़ से गढ़ में जो मदरसा है वहाँ जाके वहाँ इनका धर्म परिवर्तन होती है 30 तारीख को। फिर वहाँ से इनको मुजफ्फरनगर मदरसा में भेजा जाता है। फिर वहाँ से लड़की 3 तारीख को बच के भाग के आ गई है। अब तक ये मामला गांव में भी तूल पकड़ चुका था। परिवार वालों का कहना है कि स्थानीय नेताओं के दबाव में ही पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसके बाद FIR करवाने घर को भेजो, वहाँ FIR लिखने को तैयार नहीं। भाजपा पार्टी के सदस्य आए और शिवसेना के आए, कोई भी हिंदू परिषद के आए, उन लोगों के आने की वजह से जब उनका दबाव बना तो थाने ने उनकी रिपोर्ट किया। पुलिस और धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान से जाहिर है कि इस मामले में उलझन ही उलझन है। सवाल ये कि बार बार आरोपियों का शिकार बनने के बावजूद पीड़िता उन्हीं के पास मदद के लिए क्यों गई? लड़की अगर 27 जुलाई को घर लौट आई थी, तब पुलिस ने खुद उससे पूछताछ क्यों नहीं की? घर वालों की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है, और कहना नहीं होगा कि इन्हीं सवालों के बीच छुपा है जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप का सच। अब देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं लड़की से गैंग रेप फिर धर्म परिवर्तन की खबर, यानी सियासत तय थी और हो भी यही रहा है। बुधवार को कांग्रेस का एक दल ने पीड़ित लड़की के गांव पहुंचकर उससे मुलाकात की, तो वहीं मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लड़की के गांव जहां पहुंचे थे। बीजेपी ने संसद में भी मामला उठाकर अखिलेश सरकार पर खास वर्ग के तुष्टीकरण का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी के विरोधियों का यह कहना है कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस मामले को गलत तरीके से तूल दे रही है। देखिए मेरठ पे हो रही सियासत पर हमारी ये रिपोर्ट। पीड़ित लड़की के गांव में पुलिस छावनी बनी हुई है। प्रशासन की माने तो वहां तनाव है,
गांव में बीजेपी नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मेरठ के सरावा गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि आरोपियों को सरकार के इशारे पर बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो किसी खास धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ये बात बीजेपी संसद से सड़क तक कह रही है। एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए उससे जुड़े हुए भी अपराधी कोई अपराध करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच करती है, और इसी वजह से कांट की घटना हुई है, उसी वजह से सहारनपुर हुआ है, उसी वजह से यह हुआ है। दुर्भाग्य ये है इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर एक वर्ग विशेष के लोग मुलजिम है तो प्रशासन अपनी भूमिका लखनऊ के इशारे पर तय करता है। केंद्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है, तो उधर गांव में और भी कई बीजेपी नेताओं का आना जाना लगा रहा। बीजेपी भले ही इनकार करे, लेकिन विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले को तूल देकर इलाके में तनाव बढ़ाने की साजिश रची जा रही है। इलाके के कई गांवों में इस मामले में पत्थरबाजी भी हुई, कुछ लोगों के घर भी चलाए गए। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार इसकी ओर जबरदस्त कोशिश कर रहा है कि वो अभी उपचुनाव और उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश पे काबिज हो, और ये जितने भी हालात पैदा हो रहे हैं ज्यादातर उसमें संघ परिवार आग में घी डालने का काम कर रहा है। जाहिर है सियासत जारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस पूरे मामले में अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाए, कोई भी हो मैं भी बात करूंगा। लेकिन इस पूरे मामले में अखिलेश सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तमाम दावों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रुक नहीं रहे हैं। ये अब एक नई बात हो गई है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए गैंगरेप हो ताकि वो घबरा के धर्म परिवर्तन कर ले, इसकी जांच सीबीआई को देनी चाहिए ताकि जो सही बात है वो निकल के आए और आगे से इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। सुरक्षा और सम्मान जो है वो एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है महिलाओं का उत्तर प्रदेश में, और उसके साथ साथ अब अगर धर्म परिवर्तन जैसी बात भी साथ में जोड़ी जाती है तो मुझे लगता है ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। पुलिस को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। स्थानीय थाना अध्यक्ष को भी FIR दर्ज करने में कोताही बरतने के लिए लाइन हाजिर कर दिया गया है। जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं हर आरोप को वेरीफाई किया जा रहा है, और ये ट्रैफिक वाली बात है इसका संज्ञान डे वन पे लिया गया था, और डे वन में जो बात मुजफ्फरनगर मदरसे की आई थी मदरसे को चेक किया गया था, उस मदरसे में कोई बच्चे नहीं थे। 7-8 दिन बाद बच्चों के आने की उम्मीद थी। वहाँ पे मदरसे में काम करने वाली लेडीज़ थी, उनसे पूछताछ की गई थी, वो सभी लेडीज़ वहाँ पर मुलाजिम थी या वहाँ पर रहने वाली थी, इस तरह की वो बात उस में आएगी। लेकिन जो आरोप लगाया गया है इसकी गहनता से जाँच की गई। मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सियासी बयानबाजियों के बीच इस बात की आशंका सबसे ज्यादा है कि कहीं संगीन अपराध का यह मामला धार्मिक रंग न पकड़ ले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को अत्यंत संवेदनशील माना जाता है, इसलिए इस मामले पर राजनीति न कर जल्द से जल्द कानून के तहत इंसाफ दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। यही वक्त का तकाजा है और इंसानियत की मांग भी। मीरठ से अमित पालगिल के साथ मैं शुभजीत सेनगुप्ता।